हेलो गाइस, कैसे हो सारे के सारे। सभी से आशा करता हूँ कि सभी खुश होंगे। और आपका स्वागत है राधे राजपूत डीजे यूट्यूब चैनल में। और भाई, जो वीडियो के लिए न्यू बंदा देख रहा है, अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ा है, तो कृपया करके सभी से आशा करता हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो नीचे रेड कलर पे सब्सक्राइब कर ले। और भाई, सभी से आशा करता हूँ कि इस वीडियो के लिए शुरू से लेकर एंड तक ही देखा। डीजे लाइन में आपके लिए प्रॉपर जानकारी देने जा रहा हूँ ट्रेवलिंग के बारे में। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेज चल रहा है आवाज का, वाइब्रेट का तो चल ही रहा है, लेकिन आपके लिए इस वीडियो में वो जानकारी दूंगा कि ट्रेवले कौन से तरीके से, कौन सी अच्छी क्वालिटी की आ सकती है। एक तो ब्रांड होता है और एक होता है इंडियन माल। एक तो होता है ब्रांड, ब्रांड का मतलब होता है कंपनी का माल, और एक होता है जैसे कि आप सस्ता ले रहे हो या फिर सस्ता सस्ता खरीद रहे हो। और सभी से आशा करूंगा कि जो जितना पैसा लगाएगा डीजे लाइन में उतनी ऊपर चला जाएगा, प्लस मतलब कि काम की ओर, मतलब कि अच्छी क्वालिटी होगी उसकी, आवाज़ भी बेहतरीन होगी। आपके लिए एक ऐसा सेटअप लेके आया हूँ जो कि आपके लिए ट्रेवले में कोई जानकारी गलत नहीं दूंगा, आपके लिए बिल्कुल जो रियल की जानकारी है वो ही दूंगा। और आपके लिए एच एप के बारे में बताऊंगा कि इसमें मैंने कौन कौन सी डाल रखी है, प्लस कौन कौन सा चला रखा है। और जो लाइनर बोलते हैं ना, जो लाइनर बोलते हैं, जो कि अपने सिस्टम में बनवा लेते हैं लाइनर उल्टा सीधा, वो नहीं होगा। और जो ब्रांड है वही बताऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी जानकारी वो लेके आया हूँ कि 450 या फिर 750 या फिर 518 किस तरीके से चलाई जाए और किस तरीके से फूक जाती है। एक तो ना फूकने का सिस्टम और एक फूकने का सिस्टम। जितने पर बंदे हैं 450 चलाएं, 750 चलाएं या फिर 518 चलाएं, यही तीन ब्रांड है। लेने के लिए आप 1050 ले लो, कोई सा भी ब्रांड चला लो, ठीक है। तो इसमें आपके लिए लेके आया हूँ मैं 518, 518 450 डाल रखी है इसमें, और अच्छी कंपनी की डाल रखी है। और आपके लिए वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ, और बीच में बोल दूँ भाई, जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो नीचे रेड कलर पर सब्सक्राइब कर ले। और कुल मिला के आपके लिए बता दूँ कि ये मेरा जो लाइनर है अभी मैंने बनाया है, जो कि इसमें जैसे कि मैंने इसमें लगा रखा है पीले कलर, मतलब रेड कलर का लमसम ऑरेंज कलर का लगा रखा है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ बंदे चला रहे हैं, लेकिन ब्रांड लेके आया हूँ कि कलर कोई सा भी डलवा लो आप, पीला चल रहा है, नीला चल रहा है, ब्लैक चल रहा है। वैसे तो डीजे लाइन में सबसे बढ़िया अच्छा लगता है ब्लैक ही, लेकिन कोई बंदे कह रहे थे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो ये तैयार करके हमने ऑलरेडी यहाँ पे रख रखा है। और इसमें 518, 518 प्लस 518 ये लगाया है। और इसका एक और पीस है, ये तो है ही है, इसका एक और पीस है, ये मेरे पास अभी एक और पीस है, दो ही पीस बन पाए हैं, भारी तो है ही है। भारी है थोड़ा, लेकिन इसके दो पीस हैं। इसका आपके लिए रेट भी बताऊंगा और आपके लिए 450 के बारे में जानकारी भी दूंगा, कौन सी ब्रांड की डाल रखी है मैंने और कितने ओम्स पे चलानी चाहिए या फिर कितनी बड़ी मशीन पे चलानी चाहिए। जबकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं 6000 वाट से लगा देते हैं, आपके 5000 वाट से लगा देते हैं। फूकने का चांसेस यही रहता है कि जैसे कि फूक जाती हैं, तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि डीजे वाले जितने पर भाई हैं, तो फूकने पर तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन सभी से आशा करता हूँ कि इस पर जितना छोटा सेट लगाया जाए, मतलब कि 500 वाट से ऊपर लगा लो आप, 500 वाट से भी चलेगी, 1000 वाट चाहिए 1000 वाट से भी चलेगी। और इसका जो मेटल है वो प्लास्टिक का लगा रखा है, इसमें ज़्यादा हैवी नहीं है। इसका तकरीबन होगा 200, 220 एक फ्लेवर का एक होगा। और इसकी जो हाइट है वो होगी 2.5 फुट, 2.5 फुट से ज़्यादा नहीं है, दो दो पीस यूज किए हैं, लेकिन अच्छी ब्रांड कंपनी का लगा रखा है इसमें। जो लगा रखा है डीजे प्लस का लगा रखा है, अच्छी क्वालिटी बजती है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बजा रहे हैं, क्या है, कैसे, तो उसकी टेंशन ना करें आप। और मेरी वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और आपके लिए बता दूं कि डीजे लाइन में क्या होता है, डीजे लाइन का मतलब होता है कि कौन बंदा कौन सी ब्रांड बेस चला रहा है। या फिर फूकने का मैंने तरीका बता ही दिया, अगर आप 1000 वाट 5000 वाट पे लगा दोगे, 6000 वाट पे लगा दोगे तो उड़ जाएंगे। अगर आपके लिए 500 से 1000 वाट पे चलाओ, 700 पे चलाओ, कभी नहीं उड़ेंगी, आराम से चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका रेट भी आपके लिए दे दे रहा हूँ लास्ट वीडियो में। तकरीबन ये एक 518, 518 प्लस आपके लिए दोनों
दोनों ऐसे पड़ेंगे, मतलब एक ही पीस पड़ेगा आपका 4500 से 5000 रुपये का, मतलब 10000 रुपये के, 10-11 के लमसम के पड़ेंगे आपके लिए। अभी मैंने सही तरह वो नहीं करा, लिंक मैं आपके लिए नंबर दे दूंगा और आप कॉल भी कर सकते हो, मेरे से बात भी कर सकते हो। और जो मेरी शॉप का जगह है अतरौली रोड रेलवे स्टेशन यानी कि रायपुर स्टेशन पे, ठीक है सर? तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचती हो भाई, चलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।